नमस्कार, डीएनएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 11:30 बज चुके हैं और आप सबके साथ मैं हूं नेहा बग्गा। यूं तो आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया वार्ताकार के तौर पर देखा होगा, अक्सर मैं चेयर के उस तरफ होती थी, आज मैं इस तरफ एंकरिंग के स्पेशल बुलेटिन में हूं। हमारे साथ तीन बेहद ही खास मेहमान यहां पर उपस्थित हैं जो डीएनएन न्यूज की महिला पत्रकार हैं, एंकर हैं। आइए उन सभी से आपको मुलाकात करवा देती हूं। अनन्या चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, इरम सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं और साथ ही ऋतु भंडारी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज पर चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिन की शुरुआत महिला सफाई कर्मियों के साथ की। आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, सुबह से अहम खबरें जो हुई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल का निरीक्षण करते हुए नेहरू नगर पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने महिला स्वच्छता कर्मियों से चर्चा कर उनकी परेशानियों के बारे में जाना। डीएनएन की टीम के साथ पौधा रोपण किया। डीएनएन की महिला टीम, सीएम शिवराज ने किया पौधा रोपण। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, अभी की अहम खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीएनएन की महिला टीम के साथ पौधा रोपण किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्मार्ट पार्क की तस्वीरें हैं। डीएनएन की टीम के साथ पौधारोपण शिवराज सिंह चौहान ने किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीएनएन की टीम के साथ पौधारोपण करने माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ पौधारोपण के कार्यक्रम में पहुंची। तो आपको बता रहे थे कि डीएनएन की महिला पत्रकारों के साथ, महिला टीम के साथ शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी धर्मपत्नी ने पौधारोपण किया। आइए चर्चा में वापस लौटते हैं और ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु, आप इस पौधारोपण के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ थी, वहां पर आपने क्या देखा और क्या मायने आप समझती हैं इस कार्यक्रम के? बिल्कुल, जो तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है वो काफी दुर्लभ थी नेहा, और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में यहाँ पे संकल्प लिया था कि 365 दिन तक वो पौधारोपण ही करेंगे, और ताकि इससे प्रदेश भी खुशहाल रहे और एक जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हर किसी के जहन में आए, प्रदेशवासियों के। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी हाल ही में जब जन्मदिन था तो उस दौरान भी सीएम ने कहा था कि पौधारोपण सिर्फ जन्मदिन के अवसर पर ही नहीं बल्कि हमेशा करें, और वही संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन नजर आए। जिस तरह से हम अभी स्मार्ट सिटी भोपाल की अगर बात करें तो जहां पर हम मौजूद थे वहां पार्क में उन्होंने जिस पौधा रोपित किया, तमाम महिला पत्रकार थी, उन्होंने बहुत अच्छे से सबसे बात की और कोशिश की कि 1-to-1 चर्चा की जाए, लेकिन 1-to-1 चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और ऐसे में हर किसी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहले तो बधाई दी, उनके साथ साधना सिंह चौहान भी थी मौजूद, उन्होंने भी बताया कि आज उनके लिए महिला दिवस किस तरह से क्या मायने रखता है और क्यों इतना जो राष्ट्रमाता है उनको उन्होंने पूरा प्रेरित किया है, और इसके साथ तमाम तरह की यहाँ पे बात की। और सबसे ज्यादा उन्होंने यही बोला कि जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से निकलकर सामने आ रही है वो हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज जो इस तरह से पौधारोपण किया गया है और पौधारोपण के साथ साथ साधना सिंह चौहान उनके साथ जो बैक सपोर्ट देने के लिए मौजूद थी, वो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बहुत अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ जाना होता है। साथ ही अनन्या, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री पहुंचे सफाई कर्मियों के बीच में और महिला सफाई कर्मियों का हाथ बटाया, झाड़ू लगाया, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए
सफाई कर्मियों की, महिला सफाई कर्मियों की, तो एक साफ संदेश तो ये था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद साथ में उनके साथ झाड़ू लगाया। एक बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सुबह 7 बजे से पहुंच गए। वैसे आमतौर पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है वो 9 से 10 बजे के भी शुरू होता है, लेकिन आज महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने ये जता दिया कि सुबह 7 बजे से पहुंच गए। और आज के दिन का महत्व उन्होंने इसलिए ये करके बताया कि झाड़ू जो है उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ लगाई, साथ ही उनका चाय पे चर्चा की। चाय पे चर्चा में उन्होंने उनकी परेशानियां जानी, उनका हल भी बताया, साथ ही कई सारी उन्हें कह सकते हैं प्रोत्साहन दिया इस चीज के लिए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। साथ ही महिलाओं की जो सम्मान है वो कितना ज्यादा है हमारे भारत देश में, वो उसको ध्यान में रखते हुए हम चीजें के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और साफ संदेश ये है कि महिला उनकी जो पोजीशन फिलहाल में भारत में है, जो स्थिति अभी फिलहाल में भारत में है, उसे और बेहतर बनाना है और सभी को सशक्त बनाना है। बिल्कुल, निश्चित ही अगर महिलाओं की स्थिति को सुधारना है, उन्हें समान स्तर पर लाना है, तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चलाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इरम, आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है महिला होने के नाते एक दिन 365 में से पर्याप्त है महिलाओं को मनाने के लिए जश्न के तौर पर? बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि सिर्फ एक दिन महिलाओं के लिए समर्पित होना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 365 दिन, अभी जैसा कि हम लॉकडाउन की तरफ अगर हम चलें तो लॉकडाउन में हर कोई घर पे आराम कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ महिलाएं थी जो पूरे घर का ख्याल रख रही थी और घर की लोगों का जो देखा जाए तो फरमाइशें थी वो पूरी वहाँ कर रही थी। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जैसा कि आपका सवाल है कि 365 दिन में से एक दिन क्या महिलाओं के लिए काफ़ी है, तो मेरी नज़र से एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए ठीक है। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर एक स्पेशल फील कराया जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि महिलाओं को हर दिन ऐसा स्पेशल फील कराना चाहिए, घर के माहौल ऐसे होने चाहिए, ऑफिस के माहौल ऐसे होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनके साथ साथ कई अहम जिम्मेदारियां साथ साथ में निभाती हैं। बिल्कुल, महिलाएं हमारे घर की, समाज की रीढ़ की हड्डियां होती हैं और उन्हें रोज ही हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आइए आपको ले चलते हैं साधना सिंह के ट्वीट की ओर। आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साधना सिंह ने क्या ट्वीट किया, देखिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी नारी शक्ति को बधाई देती हूँ। भारतीय संस्कृति संपूर्ण जगत को नारी चेतना के रूप में जानती है। नारी वंदनीय है, पूजनीय है। आज मैं 4 माँ को प्रणाम करती हूँ। पहली मेरी भारत माता, जिससे मुझे भारतीय होने पर गर्व है। दूसरी मेरी सुशीला माँ, जिसकी वजह से मेरा वजूद है। तीसरी मेरी सासू माँ सुंदर देवी, जिनकी वजह से मुझे ऐसे पति मिले जो माँ, बहन और बेटियों के सम्मान में उनके साथ हमेशा रहते हैं। और चौथी माँ वो हैं जिन्होंने भारत देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो दुनिया में जाकर भारत देश के नाम को रोशन कर रही हैं। सभी माताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आइए इरम की ओर चलते हैं। इरम, ये जो ट्वीट किया है साधना सिंह ने, जो 4 माँ को प्रणाम करने की बात कही है, आप कैसे देखती हैं इसे? बिल्कुल, तो देखा जाए हम लोगों की भी जिंदगी में, अगर हम साधना सिंह की बात करें तो साधना सिंह ने उन 4 माओं को यहाँ नमन किया है। पहली तो उनकी माँ, दूसरी उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माँ। उनका कहना था, जब हमने उनसे 1-to-1 चर्चा करी तो उनका कहना था, जिस तरीके से उन्होंने उस ट्वीट को बताया हम लोगों को, जिस तरीके से समझाया कि किस तरीके से उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में, एक माँ ने पति के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम वहां पे लिया, और उसके बाद उन्होंने भारत माता को का भी नाम लिया, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनकी जो माँ है उन सबको उन्होंने नमन किया है। तो जिस तरीके से हम देखें तो हमारी जिंदगी में भी सिर्फ महिलाओं की जो भूमिका है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी की जैसे हम बात करें तो महिलाएं जो होती हैं जिंदगी में रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, तो महिला जो होती है वो घर की मुखिया भी मानी जाती है। और ऐसे में अगर महिलाएं हैं तो आत्मनिर्भर होने की तरफ कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम रहता है। निश्चित ही अनन्या, नारी को महाशक्ति के रूप में भी देखा जाता है, नारी को पूजा भी जाता है, नारी को सहज और सरल भी माना जाता है। आप इस ट्वीट के क्या मायने देखती हैं? देखिए, नारी की अगर बात की जाए तो कितना कोई भी शब्द अगर हम आज कहेंगे तो कम ही है, क्योंकि उसकी महिमा को
कहा नहीं जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता, उसके शब्द हमेशा कम पड़ जाएंगे। और माँ अपने आप में संपूर्ण शब्द होता है जो सारी चीजें बता देता है। एक माँ जो होती है वो घर की जिम्मेदारियां संभालती है, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां संभालती है, खुद की खुशियों को आड़े रखकर वो सभी जिम्मेदारियां पूरी करती है, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक कह सकते हैं कि सास के रूप में, हर रूप में वो जो है अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। और ये बात साफ है यहाँ पर, उन्होंने जब चार माओं का नाम लिया साधना सिंह जी ने, तो पहले उन्होंने भारत माता को नमन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत माता जो है वो सबसे प्रथम है, मेरी माँ के ऊपर मेरी भारत माता है। उसके बाद उन्होंने अपनी सास की बात कही, उन्होंने उसके बाद अपनी खुद की माँ की बात कही, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी जो है उनकी माँ का जिक्र किया। यानी कि नारी जो है उसने देश को इतने बड़े बड़े, कहते हैं ना कि नारियां आगे क्यों नहीं आती या दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि इतने वीरों को उन्होंने जन्म दिया है, इतनी परवरिश तो उन्हीं की है ना ये। तो ये बात उन्होंने साफ कर दी है कि किसी भी बड़े इंसान के पीछे या किसी भी कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बात कहावत बिल्कुल सच है। तो आज उनके ट्वीट में ये बात साफ देखने को मिली है कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे, किसी भी कह सकते हैं कि संस्कारी इंसान के पीछे जो है उसके संस्कार उसकी माँ के झलकते हैं कि उसने उसकी माँ ने उसे क्या सिखाया है। बिल्कुल ऋतु, नारी का सम्मान तो हर क्षेत्र में है, घर में माँ से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चा अगर किसी भी प्रकार की सीख लेता है तो उसको देने वाली माँ ही होती है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि एक महिला रीढ़ की हड्डी होती है, वाकई में एक महिला रीढ़ की हड्डी होती है। और महिला बिना महिला के पुरुष की कल्पना करना या फिर समाज की कल्पना करना काफी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में चूंकि जिस तरह से आपने कहा कि माँ से ही बच्चा, क्योंकि बच्चा जब भी मुंह खोलता है या फिर किस तरह से उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, तो इससे पता है उसके बैकग्राउंड की बात की जाती है कि भैया ठीक है, बच्चे ने, अगर बच्चे के मुंह से कुछ अब्यूज भी निकला है तो कहा जाता है कि फिर इसके संस्कार उस तरह के होंगे और सीधा माँ पर सवाल उठाए जाते हैं। तो एक माँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाती है, और सिर्फ बच्चे की परवरिश में ही नहीं, एक घर परिवार के लिए भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिस तरह से हम आज महिला दिवस को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि महिला दिवस पर ही हमें चर्चा करनी चाहिए, बल्कि महिलाओं के लिए कोई स्पेशल एक दिन नहीं होना चाहिए। 365 दिन है यहाँ पर, 365 दिन महिलाएं, जिस तरह से अगर हम घर पे भी देखें तो मम्मी पूरे 365 दिन तक दिनचर्या अपने पूरा काम करती है, बिना किसी सैलरी, बिना चीज के प्रमोशन के। अगर आज भी यहाँ पर हम अपनी मम्मी को यहाँ पे मदर्स डे विश भी कर रहे हैं और यहाँ पे वुमेन्स डे विश भी कर रहे हैं, तो उस दौरान भी मम्मी सिर्फ अपने ही काम में लगी हुई है, उसके बावजूद भी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हमसे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हर महिला के लिए। बिल्कुल, आइए एक और अहम खबर की ओर चलते हैं, ब्रेकिंग की ओर चलते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सदन की कमान सुमा सोलंकी और नीना वर्मा को सभापति बनाया गया है। सदन की कमान महिला विधायक संभालेंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह निर्णय लिया गया है। नीना वर्मा संभालेंगी आज सभापति की कमान। दो महिलाओं को इसका जिम्मा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झूमा सोलंकी और नीना वर्मा को सभापति के तौर पर आज कमान सौंपने का मौका दिया गया है। आइए चलते हैं आगे चर्चा की ओर। इरम, ये बताइए कि आज जिस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, सदन के अंदर भी अगर देखें तो झूमा सोलंकी और नीना वर्मा को सभापति का दायित्व सौंपा गया है, तो आपको क्या लगता है इससे किस प्रकार की मैसेजिंग होगी, क्या जनता इससे उत्साहित होगी, क्या महिलाओं को इससे प्रोत्साहन मिलेगा? बिल्कुल नेहा, अगर हम बात करें, जैसे कि हम शुरुआत अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करें, तो जिस तरीके से उन्होंने एक पहल करी है कि उनका जो सुरक्षा का जिम्मा था, उनकी जो ड्राइवर थी वो भी आज महिला थी, मतलब ये एक अनूठी पहल है। सदन के अंदर भी अगर हम देखें तो दो महिला विधायक हैं जिनको आज सभापति बनाया गया है, और ऐसे में अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक महिला हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, या हम सुरक्षा की कमान अपने हाथों में नहीं ले सकते और हम सभापति के उस पर नहीं, आसंदी पे नहीं बैठ सकते। ऐसा ये जो संदेश है जो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जा रहा है हर उस महिला के लिए कि आत्मनिर्भर आपको बनना है, महिलाओं को आगे बढ़ना है, अपनी शक्ति जो अब नारी शक्ति का प्रयोग है, जो क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही कि अगर नारी सोच ले कि वो ये करना चाहती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, तो यही संदेश जनता को देना चाह रही है मध्य प्रदेश सरकार। बिल्कुल, जिस प्रकार से इरम बता रही थी अनन्या,
कि सदन में सभापति के तौर पर दो महिलाओं को आज स्थान दिया गया है और इससे एक बाय एंड लार्ज लंबा मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि महिला अपने आप में सशक्त है, अगर वो कुछ करने की ठान ले तो ऐसा कोई भी मुकाम नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकती। बिल्कुल नेहा, मैं आपको रोकना चाहूंगी जिस तरह से आपने यहाँ पे तमाम सवाल पूछे। यहाँ एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरह से पहले आप पत्रकार थी और आप उस चीज की आज भूमिका भी निभा रही है, आप फ्रंट पे डेस्क पे दिखाई दे रही है, पत्रकार से राजनीति का सफर किस तरह से आपका रहा और आज चूंकि महिला दिवस है तो महिला दिवस के अवसर पर कैसा मैसेज आप देना चाहेंगी महिलाओं को? तो मुझे लगता है कि सफर बहुत इंटरेस्टिंग था बचपन से, क्योंकि मुझे एक चाह थी कि सोशल सेक्टर में आकर मुझे कम से कम जो वंचित हैं उनकी आवाज को उठाना है और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई जर्नलिज्म में की और जर्नलिज्म में पढ़ाई करने के बाद मैंने पत्रकारिता करनी शुरू करी। पत्रकारिता में जब मैं आई तो मुझे यह एहसास हुआ कि पत्रकार के तौर पर आप निश्चित ही जो खबरें हैं वो तो दिखा सकते हैं, पर उसकी तह तक जाना और उसके समाधान को करने के लिए सिस्टम का आपको हिस्सा बनना होगा और सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए अगर कोई विकल्प है तो वो एकमात्र राजनीति है। इसीलिए एक के बाद एक राह खुलती गई, राह बनती गई और मैं उस पर चलती गई। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से अभी आपने हमें बताया कि किस तरीके से आपने पत्रकारिता करी और आप भाजपा में अभी हैं, तो ऐसे में अगर हम देखें तो भाजपा में एक महिला के रहते हुए इतने, मतलब कहीं ना कहीं देखें तो इतने पुरुषों के बीच महिला अगर जब पहुंचती है तो कैसी फीलिंग्स वो होती हैं और किस तरीके से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर भी होता होगा कि इतने सारे पुरुषों के आगे निकलना है, इनसे कॉम्पिटिशन करना है, कैसा महसूस होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे पहले उनमें समानता है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, सभी एक परिवार के तौर पर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के अनुसार उस कार्यकर्ता को काम भी दिया जाता है, तो इसका पैरामीटर जेंडर बायस्ड नहीं होता कि अगर कोई काम देना है तो वो महिला को नहीं दिया जाएगा पुरुष को दिया जाएगा या पुरुष को नहीं दिया जाएगा महिला को दिया जाएगा। तो जहां पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पर भाजपा नजर आती है, जहां पर हम संगठन की बात करते हैं तो वहां पर भाजपा नजर आती है, जहां कार्यकर्ता के लिए काम और काम के लिए कार्यकर्ता की बात करते हैं तो भाजपा नजर आती है। तो योग्यता के आधार पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का इवैल्यूएशन करती है, वहां पर महिला और पुरुष देखकर इस तरीके के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। बिल्कुल नेहा, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि जर्नलिज्म में आपने पढ़ाई की है तो कहाँ से आपने पढ़ाई की, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? साथ ही एक बात और भी है कि जब आप पत्रकारों के बीच में जाती हैं, जो अब पत्रकार आप भाजपा से बिलोंग करती हैं लेकिन उसके पहले आप एक पत्रकार थी, जब पत्रकारों से मिलती हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा लगता है खबरों को देखना इतने करीब से और खबरों के बीच में रह के खबर बनना भी, क्योंकि भाजपा की कोई खबर आती है तो आपसे होकर जरूर निकलती है, आपकी बाइट रहती है तो चीजें और ज्यादा कह सकते हैं सरल हो जाती है समझने के लिए। अनन्या, ये बात सही है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है, पहले पत्रकार रही है और क्योंकि जैसे मैंने इनिशियल रिमार्क में भी अपने कहा था कि डेस्क के अक्सर अब मैं उस पार रहती हूँ, प्रदेश मीडिया वार्ताकार होने के नाते, जिसे हम प्रवक्ता कहते हैं उसके नाते, और अभी जो पूर्व में भूमिका रही है वो मेरी पत्रकार के नाते रही है, तो एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बनती है खबरों को लेकर, जब पत्रकारों से मिलती हूँ तो अपनापन लगता है, पर जर्नी बहुत ही फैंटास्टिक थी, जन सेवा ही एक मेरे दिमाग में जो था वही एक मात्र एहसास था जिसको लेकर मैं पत्रकारिता के बीच में आई थी, पर तभी मैंने ये भी जाना कि पत्रकारिता में एक अपनी लिमिटेशन है, आप खबर को दिखा सकते हैं पर समाधान तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये जर्नी पत्रकारिता ने जहां पर मुझे सिखाया कि किस प्रकार से एक आई ओपनर बनना है, चौथा स्तंभ कितना जरूरी है हमारे लिए, वहीं पर आज जहां पर मैं हूं वो मुझे दिखाता है कि अगर जिम्मेदार पद पर आप बैठे हैं तो आपकी सबसे पहला कर्तव्य है आखिरी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उन सेवाओं को पहुंचाना। तो दोनों पैरेलल चलता है, पत्रकार उसे दिखाता है, राजनेता जो है उसे सफल और हकीकत में बदलने का काम करता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अभिव्यक्ति की पूरी आजादी यहाँ पर रहती है। राजनीति में चूंकि आप काफी सक्रिय रही तो ऐसे में, क्योंकि आप पहले पत्रकार थी उसके बाद आपने जब राजनीति ज्वाइन की तो यहाँ पर 28 अक्टूबर 2018 में मुझे याद है कि आपने आप पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसमें आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी जिसमें आपने ये आप पार्टी के लिए ये कहा था कि उसमें ना विजन था ना मिशन था, जिसके चलते मैं यहाँ पे विकास की बागडोर संभाल रही। तो कितनी चुनौतियों का उस दौरान और आपको अब तक सामना करना पड़ रहा है राजनीति में? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि राजनीति में आना ऐसा नहीं है कि
वन फाइन डे मैं उठी और उठ के मैंने सोचा कि मुझे राजनीति में आना है। ये संकल्प मेरा बचपन से था, माध्यम बदलते गए और मैं आगे बढ़ती चली गई। राजनीति में आने से पहले मैंने एक कोर्स भी किया था जिसमें हमने ये देखा, जो जिसे स्टडी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो आपने क्योंकि पत्रकारिता के बारे में पूछा था, वो भी मैंने इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन पुणे से पढ़ाई की थी। और जिस आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ, डिप्लोमा कोर्स की, उसे कहते थे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमें लगातार बताया जाता था एक की एक मॉडर्न विलेज क्या होता है, मॉडर्न विलेज की फंक्शनिंग क्या होती है, सरपंच किस प्रकार से काम करता है, पंचायत किस प्रकार से होती है। और इसकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो विलेज एजुकेशन से हुई थी, और जहाँ पर गाँवों से निकलकर हम विधानसभा पहुंचे, विधानसभा से हम संसद की कार्रवाई देखने के लिए दिल्ली पहुंचे, और इसकी जो अंत लास्ट पैरामीटर था वो यूएस का सेनेटर था। तो भारत देश का एक गांव जो समृद्धि की पहचान है, वहां से शुरू करके यूएस की पार्लियामेंट, जिसे हम डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट करते हैं, उसको एक ग्राउंड रिपोर्ट को मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, उनको विजिट करने का मौका मिला, और एक विजन क्लियर करने के मुझे एक बहुत अच्छी सीढ़ी मैं कहूंगी मुझे मिली, जिससे मुझे समझ में आया कि राजनीति बाहर से जिस प्रकार से पत्रकारिता को आज के यंगस्टर समझते हैं कि बहुत फैंसी सा एक प्रोफेशन है, उसी तरीके से राजनीति में भी लोग यही समझते हैं कि बहुत फैंसी सा है। पर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर वाकई किसी ने ठान ली है कि जनता के सेवा से ही समाधान है और जनता की सेवा ही एक माध्यम हो सकता है, अगर वही ध्येय बनेगा तभी व्यक्ति को इस इन दोनों फील्ड्स का चयन करना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है फिलहाल, पत्रकारिता में या राजनीति में? मैंने आपसे कहा कि वहां पर भी जो मेरा एक थॉट प्रोसेस था वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का था, उनकी अगर कोई समस्याएं हैं तो चौथा स्तंभ होने के नाते जनता के सामने लाने का था। आज रोल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लोगों से आज भी मैं बहुत मिलती हूँ, आज भी मैं उनसे बात करती हूँ, उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है, पर आज उनकी बातों को सिर्फ दिखाना माध्यम नहीं है, पर उनकी बातों को समझ के और उसको समाधान तक ले जाना, ये आज लक्ष्य बन गया है। बिल्कुल नेहा, इफ यू टॉक अबाउट टुडे दिस इवेंट एज यू आर प्रेजेंट हियर एज अ गेस्ट एंकर, कैसा फील कर रही हैं आप, क्योंकि ये आप एक भाजपा की प्रवक्ता हैं और ऐसे में एज अ गेस्ट एंकर, बिकॉज यू इन योर प्रीवियस टॉक यू सेड के दैट योर जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट दैट वाज फैंटास्टिक, नाउ द फीलिंग व्हेन यू आर सिटिंग एज अ गेस्ट एंकर इन DNN, हाउ इज दैट? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जो बीते हुए पल थे वो वापस लौट आए हैं। जो पत्रकारिता का मेरा पहला दिन था, जो नर्वसनेस थी, जिस प्रकार का एक्साइटमेंट भी था, और जो ख्वाब बुनने देखने चालू किए थे, बिल्कुल वैसा ही महसूस आज भी कर रही हूँ। DNN का इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि फ्लैशबैक में सारी चीज़ें याद आ गई हैं, और आप जैसे जो पत्रकार हैं, महिला पत्रकार जो देश का गौरव है, हमारे प्रदेश का गौरव है, उनके साथ चर्चा कर ये जो खुशी है वो दुगनी हो गई है। रम बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपने इस तरीके से हमें प्रदेश का और देश का गौरव बताया। नेहा जी, एक सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से महिलाएं, हम आज जैसे कि आज का हमने माहौल देखा, आज का पूरा दिन अगर हम देखें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ अगर हम चले, तो उनकी शुरुआत ड्राइवर उनकी महिला थी, उसके बाद सुरक्षाकर्मी महिला थी, सफाईकर्मी महिला थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक पूरा दिन महिलाओं के लिए समर्पित। तो जैसा कि सवाल आपने भी मुझसे किया था कि 365 दिन में से एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित, क्या आपकी नजर से हम समझना चाहेंगे कि कैसा रहना चाहिए? इरम, मुझे लगता है कि न जाने क्या बात रही होगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर एक ही दिन महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया। पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि महिला हमारे घर से लेके, समाज से लेके, देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम अपने पुराने समय को याद करेंगे तो माता सीता को देखिए, सावित्रीबाई फूले को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, इस प्रकार की तमाम सारी ऐसी मातृशक्ति हुई हैं जिन्होंने हमें अलग तरीके से सशक्त करने की कोशिश की है। और आज भी जहां पर महिला जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय कर चुकी है, वहां पर भी हम महिलाओं के लिए एक दिन चुनते हैं। पर मुझे खुशी है कि जो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का महत्व आज भी नहीं समझ रहे हैं, जो वंचित रह जाती हैं महिलाएं, उनके लिए कम से कम एक मैसेज है कि स्काई इज द लिमिट,
इनफैक्ट आजकल तो महिलाएं ये कहने लग जाती हैं कि स्काईज आर होम, क्योंकि उन्होंने अपनी उड़ान जमीन से लेकर आसमान तक की जो उड़ान है उसको पूरा कर लिया है। एक ड्राइवर भी महिला है, एस्ट्रोनॉट भी महिला है, इंजीनियर भी महिला है, नेवी में भी महिला है, सीआरपीएफ में भी महिला है, डॉक्टर भी महिला है, नर्स भी महिला है, टीचर भी है, माँ भी है, बहन भी है। तो इस प्रकार से महिला ने ऐसा कोई भी सफर नहीं है जहां पर महिला नहीं पहुंची है। और इसीलिए जो आज चाहे विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर नीना जी को और सोलंकी जी को मौका दिया है, और जिस प्रकार से गृहमंत्री जी ने अपने निवास पर एक महिला अधिकारी को गृहमंत्री के तौर पर आज वहां पर कार्यकार अपना कार्य संभालने के लिए दिया है, तो ये एक निश्चित ही मैसेजिंग है बहुत अच्छी। पर वहीं मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त हैं। महिलाएं कभी भी नहीं चाहती कि उन्हें पुरुषों से ज्यादा स्थान मिले, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि उन्हें पुरुषों से कम स्थान मिले। उसी प्रकार से महिला कभी भी ये नहीं चाहती कि वो पुरुषों से आगे बढ़ जाए, ना ही महिला ये चाहती कि वो पुरुषों को पिछाड़ दे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि महिला अगर कुछ चाहती है तो वो इक्वालिटी, समान का अधिकार चाहती है। नेहा, यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए कि जब भी बच्चा कभी आगे बढ़ता है तो पेरेंट्स भांप लेते हैं उस चीज को कि नहीं, अगर ये बहुत मुंहपट है, बोलने वाला है तो ये फिर या तो पत्रकारिता में जाएगा, निडर है तो ये इस फील्ड में जाएगा, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है। आप चूंकि पहले पत्रकार फिर उसके बाद राजनीति, तो क्या घर वालों ने कभी इस असमंजस की स्थिति में नजर आए थे कि नहीं हमारी बच्ची तो पहले पत्रकार, हमारी बच्ची जर्नलिस्ट बनेगी उसके बाद यहाँ पर राजनीति, कुछ भी इस तरह का कोई वाक्य आपके साथ हुआ? ऋतु, मुझे जहाँ तक याद है 12th स्टैंडर्ड तक मुझसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट कोई नहीं था हमारी फैमिली में। अगर चार लोग बैठकर बात करते थे तो मैं अपना मुंडी हिला के भी रिएक्शन नहीं देती थी, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे परिवार में तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं पत्रकारिता में जाऊँगी। इनफैक्ट मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी जब आज मुझे सुनते हैं, आज मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि तुम वही हो क्या? तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। पर क्योंकि मुझे पत्रकारिता में जाना था, वो मेरा एक पैशन था, उस समय मैंने उसमें एंटर किया, फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। हमारी फैमिली में ये भी नहीं था कि बचपन से ही बच्चों को ये बताया जाए कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पत्रकार बनना है, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है। ये फ्रीडम हम लोग को खुद दी गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे फ्रीडम दी थी कि जो भी फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ मैं उसमें आगे बढ़ूँ। और मेरे परिवार ने बखूबी जब जब मैंने जो जो निर्णय लिए हैं उसमें साथ देने का काम किया है, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे मेरा निर्णय हो कि अब मुझे राजनीति में आना है। नेहा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक मैसेज छोटा सा उन महिलाओं के लिए, क्योंकि राजनीति और पत्रकारिता ये दोनों एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें महिलाएं बहुत सोच समझकर कदम रखती है और उनकी फैमिली एक सपोर्ट भी कम करती है, तो जो महिलाएं इस प्रोफेशन में आना चाहती है उनके लिए किस तरह का मैसेज? मैं सिर्फ एक वर्ड कहूंगी, सिंपल सा एक सेंटेंस कहूंगी कि अगर आपको देश में, समाज में किसी भी प्रकार का बदलाव चाहिए तो यू योरसेल्फ बी द चेंज। क्योंकि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस चेंज को लाना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर महिला ये सोचकर बैठ जाए कि घर से बैठकर देखेंगे और ओवरनाइट कुछ चेंजेस आ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। महिला अपने आप को कम आंकती है इसलिए वो शायद पीछे रह जाती है, महिला में खुद में कोई कमी नहीं है। और यही कारण है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर महिला निकलकर बाहर आकर सफल ना हुई हो। सो बी द चेंज ही एकमात्र इसका मंत्र है कि महिलाओं को एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, जर्नलिज्म में जाना चाहती है वहां जाना चाहिए। और पॉलिटिक्स एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप उसमें संघर्ष करते हुए बहुत निचले स्तर से उसमें आगे बढ़ते हैं, अपने बूथ को समझते हैं, अपने वार्ड को समझते हैं, अपनी विधानसभा को समझते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को समझते हैं, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि एक जो सफल मुकाम है वो हासिल किया जा सकता है। नेहा, यहाँ पे एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि ये तो हो गई पूरी आपके करियर की बात कि आपने पत्रकारिता से लेकर राजनीति का सफर तय किया और वहां पर आप काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अगर बात यहाँ पर सिर्फ नेहा की जाए, नेहा बग्गा भाजपा प्रवक्ता की ना की जाए, तो आपकी पर्सनल हॉबीज क्या हैं, आपको क्या पसंद है? क्योंकि पत्रकारिता तो अपनी जगह है, लिखना पढ़ना सबको शौक होता है पत्रकारिता में, लेकिन आपकी इससे अलग हटकर क्या कुछ हॉबीज वगैरह हैं? मैं कुछ समय अपना रीडिंग में देना पसंद करती हूँ, अगर मुझे समय मिलता है तो। मैं समझती हूँ कि पूरी किताब ना भी सही, कम से कम इतना कर लें कि दिन के दो पन्ने ही पढ़ लें, और इसी से एक शुरुआत होती है रीडिंग की, जो मेरी भी शुरुआत हुई थी, ये मेरी हॉबी में एक है। दूसरा,
लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना मुझे बहुत पसंद है, समय मिलने पर परिवार के साथ ये भी करते हैं। और इसके साथ में एक मुझे नहीं पता कि कितना मतलब आप लोगों को ये ठीक लगेगा, पर अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले में टाइम स्पेंड करना और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना दिन भर में, जिससे कि ये पता चले, आकलन कर सकें कि पूरे दिन की आपकी एक्सरसाइज क्या रही, क्या सही रहा, क्या गलत रहा, क्या पेंडेंसी है, किसको कंप्लीट करने की आवश्यकता है। तो ये मेरी कुछ हॉबीज हैं। नेहा, यहाँ पर बात अगर की जाए आइडियलिज्म की, तो फिर आपका आइडियल आप राजनीतिक किसको मानते हैं, मतलब किसको देख के आपको लगता है कि नहीं इंस्पायर बहुत हुई हूँ मैं इस इंसान से, इस पर्सनालिटी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। है तो बहुत सारे नाम, लेकिन आपको पर्सनली ऐसा कहाँ लगा कि नहीं इस इंसान से बहुत इंस्पायर हुई हूँ और राजनीति में इनके अगर कुछ गुण मिल जाए मुझे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अनन्या, मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगी, पर अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनन्या, आपने ब्रेक से पहले सवाल किया था, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, पर उससे पहले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हुनर हाट का शुभारंभ। आपको बता दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट का शुभारंभ किया है। 10 मार्च तक चलेगा हुनर हाट, राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह ने किया हुनर हाट का शुभारंभ। यहां उन्होंने कन्या पूजन भी किया। ये आप देख सकते हैं भोपाल हाट की ये तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज सिंह ने आज हुनर हाट का शुभारंभ किया है। 10 मार्च तक चलेगा हुनर हाट, राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। ऋतु, ये बताइए कि आज सीएम ने हुनर हाट का शुभारंभ किया है, क्या है इस हुनर हाट में और इसके मायने क्या है? बिल्कुल, हुनर हाट का यहाँ पे शुभारंभ सीएम की तरफ से किया गया है। इसमें 10 मार्च तक ये हुनर हाट चलेगा और ऐसे में लगातार महिलाओं के चलते यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस मौके पर ये किया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हुनर हाट में तमाम जो लगातार लोग यहाँ पर सामने आएंगे, महिलाओं को ज्यादा जागरूक और प्रेरित करने की बात यहाँ पर की गई है कि हुनर हाट में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सामने आए और यहाँ पर अपनी प्रतिभा का भी यहाँ पे प्रलोभन करें, और उसके चलते यहाँ पर तमाम तरह की योजनाएं भी लगातार सीएम की तरफ से चलाई जा रही है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पहले यहाँ पे कन्या पूजन किया गया, और ये काफी एक अच्छी पहल मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के प्रति और महिलाओं को जो सम्मान देना चाहिए वो वाकई में दिया जा रहा है कि हर कोई भी सरकारी काम यहाँ पर जब भी शुरू होगा तो उससे पहले यहाँ पे कन्या पूजन किया जाता है, ऐसे में लड़कियों को पूजा जाता है, जो कि एक अच्छी पहल यहाँ पर साबित हुई है। तस्वीरें भी हमारे सामने है। बिल्कुल अनन्या, आपके पास वापस लौटते हैं, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल नेहा, मैंने आपसे एक सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले, तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे बस इतना बताएं कि कैसा रहा है, मतलब आपका एक्सपीरियंस पूरे फील्ड में, साथ ही कैसा लगता है आपको जब आप इस तरफ ना बैठ के उस तरफ बैठती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अनन्या। मुझे लगता है कि क्योंकि एक चैलेंजिंग जो सिचुएशन है एवरी डे हम सबको फेस करनी पड़ती है, उसका पैटर्न अलग होता है, पर जो चुनौतियां हैं वो हम सबके सामने आती हैं। और आज वापस इस तरफ आकर मुझे लग रहा है कि आज मैं थोड़ा सा सेफ जोन में हूँ। इंस्पिरेशन की बात मैंने यहाँ पे की थी नेहा आपसे, तो इंस्पिरेशन किसको मानती हैं आप, राजनीति में से ले लें या फिर किसी और को ले लें, तो आपके लिए लाइफ में आइडल कौन है और किससे आपको इंस्पायर कराया जिसने? अनन्या, एक्चुअली में आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, पर सत्य यही है कि किसी एक का नाम लेना वाकई बहुत मुश्किल है। अगर हम देखें पूर्व में जिस प्रकार से सुषमा स्वराज जी का नेतृत्व रहा है, या शीला दीक्षित जी का एक डेवलपमेंट का दिल्ली का मॉडल आया था, या जिस प्रकार से हमारे पास महिला सरपंच हैं, आज बहुत सारी युवतियां जो हैं वो महिला सरपंच के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इनफैक्ट लीडरशिप की अगर हम बात करें तो हम पॉलिटिशियंस तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं, घर की
की जो गृहणियां हैं, चाहे मेरी माताजी हो, चाहे मेरे नेबरहुड में कोई हो, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे लिए रोल मॉडल हैं, और उनका कार्य करने का तरीका, उनका व्यवहार, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनके संघर्ष डेली ही मुझे एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हम किसी एक महिला को चिन्हित करें और उसे अपना रोल मॉडल बताएं, क्योंकि डिफरेंट रोल में डिफरेंट महिलाएं जो हैं अपना मुकाम बहुत ऊंचा हासिल कर चुकी हैं और उनसे सीखने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ मिलता है। नेहा, एज यू ऑलरेडी सेड कि आप महिला रीढ़ की हड्डी होती है, उसको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसे में अगर आपके बारे में जाने, बीजेपी प्रवक्ता, राजनीति, पत्रकारिता से परे हटकर घर में आपकी भूमिका किस तरह से है? बिल्कुल, बहुत नॉर्मल सी भूमिका है। सुबह उठ के जिस प्रकार से मुझे लगता है कि बाकी लड़कियां अगर चाय बनाती होंगी, मैं भी चाय बनाती हूँ। अगर घर पर हूँ तो लंच बनाना या लंच सर्व करना, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम ये है कि हम सब फ्री हैं तो लंच हम एक साथ ही करेंगे टाइम डिसाइड करके, और अगर लंच पे मुमकिन नहीं है तो डिनर हम साथ में करेंगे, और डिनर तो लगभग तय है कि पूरा परिवार साथ में ही बैठकर करेगा। तो इस प्रकार से, और रात को लास्ट काम जो मेरा होता है, दिन भर सबसे मिलना जुलना, डिबेट्स करने के बाद, जो भी जिस प्रकार से भी हम अपने क्षेत्रों में निकलते हैं, उन लोगों से मिलने के बाद आखिरी काम जो होता है, बाकी के महिलाओं की तरह, बेटियों की तरह, मेरा भी वही काम होता है, किचन की सफाई करके, उसे पोंछ कर, जब वो पूरा क्लीन हो जाए तो उसके बाद माथा टेक कर सोने के लिए चले जाना। तो एक नॉर्मल सी रूटीन है, कुछ बहुत अलग सा नहीं है, जो आप हम सब करते हैं वही मेरी भी एक दिनचर्या है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से हम आपने अभी अपने दिनचर्या की बात हमें बताई, अगर हम आपकी फैमिली मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन आपके फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल आपका कैसा है, आप किस तरीके से अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं? मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं, मेरी सिस्टर है छोटी, फादर मेरे 96 में एक्सपायर हो गए थे, जो उस तरीके से अपब्रिंगिंग जो हम दोनों की है वो मम्मी ने की है। और क्योंकि रोल मॉडल का एक सवाल आया था पहले, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए रोल मॉडल के तौर पर अगर कोई सशक्त और सहज सरल महिला जिसने संघर्ष भी खूब किया है, तो मेरे लिए वो मेरी माता जी हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, और किस प्रकार से अगर कोई मदद मांगे तो क्या संभव चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं सामने वाले की मदद करने के लिए, वो उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से परवरिश देने का वो हम लोगों को काम किया है, दोनों ही सिस्टर्स को। तो छोटी सी फैमिली है और हैप्पी फैमिली है, बस इसी प्रकार से सब साथ में मिलकर रहते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे से। जिस तरीके से आपने पत्रकारिता की, उसके बाद आप बीजेपी में आई, तो ऐसा क्या हुआ जो आप बीजेपी में गई, व्हाई नॉट यू चोज जर्नलिज्म एज योर फर्दर करियर? इरम, देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी उम्र में, फोर्थ स्टैंडर्ड के समय मेरे फादर नहीं रहे, ब्रेन हैमरेज से वो एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी ने हमें हमेशा से ये सिखाया कि मेहनत कर कर आपको सही रास्ते, सही चीज़ों को चुनते हुए आगे बढ़ना है। 8th-9th में मुझे याद है कि मैं जो म्यूरल्स होते हैं, पॉटरीज होती हैं, वो बनाकर कुछ स्टोर्स पे रखकर उसको सेल आउट किया करती थी। 10th-11th-12th आया तो मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा सा और हेल्पफुल होना चाहिए अपनी मम्मी के लिए, तो मैंने वहाँ से कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री में टेलीकॉलिंग और जो उनके कॉल सेंटर्स हैं उसमें काम करना चालू किया। उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता गया, मेरे दिमाग में आया कि सेवा का एक साधन पत्रकारिता हो सकता है, आई ओपनर का एक साधन पत्रकारिता हो सकता है। वहाँ पर मैंने पत्रकारिता के साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करी, एड एजेंसीज के साथ में, कुछ जो हमारी टीवी और प्रिंट की जो जो चैनल्स हैं उनके साथ में मैंने कुछ समय काम किया, और ये सारे पैरामीटर्स मैं जैसे जैसे पार करती गई, और अचानक से जर्नलिज्म के बाद जब मेरे सामने अन्ना आंदोलन आया, और जिसमें एक यूथ जो है पूरी तरीके से उत्साह के साथ, एक गुस्से के साथ बाहर निकल कर आया था, और जिस तरीके से हमने देखा था कि सभी कोई अपने आप को करप्शन और इन सब की वजह से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, तो एक अलग तरीके का वातावरण बना, एक आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन के हम सब साथी बने, मैं भी उसमें थी, मोटी मोटी पैकेजेस छोड़कर, अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर लोग आगे आए, आईपीएस थे, आईएएस थे,
डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, जर्नलिस्ट थे, ऐसा कोई भी मेन स्ट्रीम नहीं था जिसके लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़े। ये एक वापस से उसका हिस्सा बना। जब मुझे लगा कि जिस सपने को लेकर यूथ आया था, जिस सपने को लेकर हमने अपने मोटे पैकेजेस की नौकरी छोड़ दी थी, जिस संघर्ष को हम कर एक मुकाम हासिल कर पहुंचे थे कहीं पर, और यहाँ पर भी वो हासिल नहीं हो रहा है। विजन नहीं दिख रहा, लीडरशिप नहीं दिख रही है, एक क्षत्रिय राज दिख रहा है। तो मैंने वहां से क्विट करके एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करने का सोचा जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें कैडर काम करता है, जिसमें मिशन भी है और विजन भी है, जिस प्रकार से मैंने ज्वाइनिंग के समय कहा था, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसके बारे में कोई राजनीतिक पंडित हो या कोई एस्ट्रोलॉजी जानने वाला पंडित हो, वो उसके पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर से उठकर संघर्ष करके आया हुआ कार्यकर्ता ही वहां पर स्थापित होगा। और भारतीय जनता पार्टी मुझे एकमात्र पार्टी दिखी उस समय जो संगठन के दम पर चलती है, जिसका कार्यकर्ता उसके लिए सर्वोपरि होता है। तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते और एक यंग पर्सन इनटू लीडरशिप की फील्ड में होने के नाते, आई थॉट कि यही एक ऐसी पार्टी है, मेनस्ट्रीम पार्टी हो सकती है, जिसके पास हर वर्ग को ध्यान रखकर कुछ ना कुछ योजनाएं हैं, कुछ ना कुछ नीतियां हैं और साथ में नेता भी है। बिल्कुल, लाइकवाइज वी कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट योर होल जर्नी एज यू स्टार्टेड एज योर करियर विद जर्नलिज्म एंड नाउ यू आर अ बीजेपी। व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू हैव लर्न्ड इन होल ऑफ लाइफ जर्नी? मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी भी एंड नहीं होता, इसमें कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता। हम कभी भी ओवरनाइट विद्वान नहीं हो सकते और हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हमने सब कुछ सीख लिया है। प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। कुछ महीनों पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी में ही जो एग्जाम्पल्स हुए, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप ने हमारी जिस तरीके से एक मैसेजिंग दी है और एक लार्ज मैसेजिंग दी है जो उनके अंदर रग रग में बसा हुआ है, मैं वो दो आपसे जो चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी में जो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से पार्टी की रीति नीति से जोड़ा जाता है, क्या ध्येय है, जो महापुरुष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो पितृपुरुष रहे हैं, उनने क्या सोच के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, उससे जोड़ने के लिए प्रशिक्षण वर्ग होता है। और मुझे लगता है कि जो बाकी अन्य दल हैं उसके कार्यकर्ताओं को ये देखकर हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जैसा उच्चतम पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर बैठकर उस प्रशिक्षण वर्ग का हिस्सा बनता है और स्टेज पर नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ में ही बैठकर वो आज भी ये बताते हैं कि मैं एक सामान्य सा भारतीय जनता पार्टी का जनसेवा के लिए आया हुआ कार्यकर्ता हूं। दूसरा जो मैंने देखा फिलहाल जो एक घटनाक्रम हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपनी एक टीम घोषित की। कुछ पत्रकारों द्वारा न्यूज चैनल में और समाचार पत्रों में ये लिखा गया टीम वीडी, और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर ये टीम वीडी कैसी होगी या जो ये टीम आ गई है ये टीम वीडी है, तो उन्होंने कहा ये टीम वीडी नहीं है, ये टीम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है। तो ये टीम स्पिरिट होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के पीछे जो है वो सारी चीजें नहीं चलती हैं, बल्कि संगठन सर्वोपरि होता है, हर कार्यकर्ता समान दृष्टि से देखा जाता है और उसकी योग्यता के अनुसार उसे सम्मानित किया जाता है। नेहा, ये बात तो हुई आपके बारे में और राजनीति, पत्रकारिता और किस तरह से सफर रहा। यहाँ बात, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बात अगर आधी आबादी की जाए तो आधी आबादी के हक की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब उसे पुरुष प्रधान समाज के बीच में लाया जाता है तो वो सहज नहीं होता। इसको लेकर अभी किस तरह की मानसिकता बदलने की जरूरत है आप देखती हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं देश भर की स्थिति में? ऋतु देखिए, मानसिकता जब हम बदलने की बात कर रहे हैं महिलाओं को सम्मान दिखाने के लिए, इक्वल दिखाने के लिए, तो सबसे पहले तो मुझे मेरे मन में कई बार ये आता है जब हम कई कार्यक्रम देखते हैं या कहीं पर जाते हैं, अगर कोई महिला लीडर है या कोई महिला एंटरप्रेन्योर है या कोई महिला समाज सेवी है, तो सबसे पहला उससे प्रश्न ये होता है
कि आप महिला हैं और जो आप काम समाज के क्षेत्र में कर रही हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रही हैं या एज अ लीडर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कर रही हैं, तो आप अपने बच्चों और परिवार को किस तरीके से मैनेज करती हैं इसके साथ में? तो सबसे पहली बात है कि इस सवाल की आवश्यकता क्या है, आप महिलाओं को इस तरीके से सवालों से उसका सामना कराते क्यों हैं? जब एक पुरुष बैठता है, पुरुष पत्रकार हो, जर्नलिस्ट पत्रकार हो या पॉलिटिशियन हो या एनजीओ चलाने वाला हो, हम उनसे क्यों नहीं पूछते जब वो स्टेज पर बैठते हैं, जब इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं, अवेयरनेस के कोई कार्यक्रम होते हैं कि आप किस प्रकार से अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को, अपने बच्चों को, बीवी को, परिवार को या अपने प्रोफेशन को संभालते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने मेंटल जो स्टेटस है उसमें महिला को समान तौर पर देखना पड़ेगा। महिलाएं महिलाओं का सम्मान करें, महिला महिला को एक दूसरे से कम ना आके, महिला पुरुष को कम ना आके। जैसे मैंने आपसे कहा कि महिला कभी ये नहीं चाहती कि वो पुरुष से आगे बढ़े या पुरुष को पछाड़ दे, महिला चाहती है कि उसे समानता का अधिकार मिले। हालांकि यहाँ पर बात की जाए महिला दिवस सेलिब्रेट करने का कोई एक दिन नहीं होता, 365 ऋतु, एक मिनट में आपको रोकूंगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है। तो इस समय की बड़ी खबर, हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। सभापति झूमा सोलंकी विधानसभा से उठकर चली गई। आपको बता दें कि सभापति झूमा सोलंकी सदन से बाहर चली गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विशेष तौर पर दो महिला विधायकों को सभापति बनाया गया था। और इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है, झूमा सोलंकी बाहर चली गई हैं। विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित। पक्ष और विपक्ष में तकरार होने के बाद झूमा सोलंकी सदन से बाहर चली गई हैं। विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, पक्ष और विपक्ष में तकरार के बाद झूमा सोलंकी सदन से बाहर चली गई। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। हमारे संवाददाता महेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सदन की कार्रवाई को क्यों स्थगित किया गया। महेंद्र, ये बताइए कि आखिर ये सदन की जो कार्रवाई चल रही थी जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दो महिला विधायकों को सभापति का दायित्व दिया गया था, इसे स्थगित क्यों किया गया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा नेहा जी कि दरअसल सभापति झूमा सोलंकी जी बैठी हुई थी और इस बीच एक मामला जीतू पटवारी ने उठाया जिसमें ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि मंत्रियों के लिए अलग से दरवाजा है और विधायकों के लिए अलग से दरवाजा, तो एक सदन में दो दरवाजे कैसे, यानी कि सभी के सम्मान को लेकर उन्होंने ये बात रखी थी कि सदस्य सब बराबर हैं तो मंत्रियों के लिए कोई स्पेशल दरवाजा नहीं होना चाहिए और विधायकों के लिए अलग से दरवाजा, इससे विधायक अपमान महसूस कर रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया सदन में। दरअसल इस आरोप की, यानी कि जिस तरीके से जीतू पटवारी ने अपनी बात रखी उस पर डॉक्टर गोविंद सिंह थोड़ा सा नाराज हुए, गर्मा गर्मी हुई और इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा भी उठे, कमलनाथ जी भी उठे और कमलनाथ जी ने भी अपनी बात कही, तो ये सब चीजें जब विपक्ष आक्रामक हो गया तब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने उठे कि ये व्यवस्था जो सदन की है वो अध्यक्ष की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था नहीं है और आप लोग बैठकर अध्यक्ष जी से बात कर लें और अध्यक्ष जी उस मामले को, हम भी चाहते हैं कि भाई सब बैठ के बात करें।
इस बीच ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल हो गया तो थोड़ा सा व्यक्तिगत भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। लेकिन जब मामला सदन का ज्यादा गर्मा गया तो अध्यक्ष अपनी आसंदी से यानी कि सभापति जो आज थी झोमा सोलंकी जी वो अपनी आसंदी से उठकर चली गई तो विधानसभा स्वतः ही स्थगित हो गई और इसके बाद अब वो आ गई हैं लौटकर और फिर से अब उसी मुद्दे पर चर्चा छिड़ रही है कि आखिर दो एक सदन में दो दरवाजे यानी कि ये क्या पीआईबी गेट है या फिर ये आम आदमी के लिए गेट है। तो विधायकों यानी जो सदस्य हैं उनके लिए एक ही दरवाजा आने का होना चाहिए। इस बात को लेकर विपक्ष आक्रामक है और सदन में पक्ष अपनी बात रख रहा है और ये विधानसभा की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर के लिए करीब 7-8 मिनट के लिए विधानसभा सत्र स्थगित रहा और उसके बाद अब फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। न्याय जी जी तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी, जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं चर्चा की ओर वापस। अनन्या ये बताइए कि आप चर्चा को एग्जीक्यूटिव एडिटर के पास जाने से पहले आप कुछ सवाल कर रही थी, क्या है आपका सवाल? जी अनन्या जी, मेरा सवाल ये है कि राजनीति में महिला कितनी सुरक्षित हैं और इनका भविष्य क्या है आगे आपके व्यू से? अनन्या मुझे लगता है कि राजनीति हो या कोई भी स्ट्रीम हो महिला के लिए चुनौतियां बराबर हैं, पर एक बार अगर लक्ष्य को निर्धारित कर लिया जाए, एक बार अगर आप अपने पथ पर चलना शुरू कर दें तो उससे आप अपने मुकाम को हासिल कर सकती हैं। तो किसी भी अन्य प्रोफेशन की तरह राजनीति भी उतना ही चैलेंजिंग है। कोई भी प्रोफेशन नहीं है, चाहे पत्रकारिता की बात करें, चाहे टीचरशिप की बात करें, चाहे किसी की बात करें, चुनौतियां अपने प्रकार की होती हैं और उसका समाधान ढूंढते हुए निरंतर चलते जाना ही एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से अभी हमने बात करी और हमारी सहयोगी ऋतु ने भी ये बात कही कि जिस तरीके से आज और आज के दिन की अगर तरफ हम रुख करें तो महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री की ये पहल, अगर ये पहल होती है, सच में अगर ये पहल लागू होती है कि ड्राइवर्स ही महिलाएं हों, मैं नहीं कह रही कि पूरे तरीके से सारी मतलब सड़कों पर सिर्फ महिलाएं ही निकले, पुरुष बंद ही हो जाए निकलना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी पहल की जाए कि ऐसी जगहों पर जहां पे महिलाओं का होना संभव नहीं होता है, जैसे कि सुरक्षा गार्ड की अगर हम बात करें तो महिलाएं कहीं नहीं हमें देखने को मिलती हैं, ड्राइवर्स महिलाएं हमें कहीं देखने को नहीं मिलती, और अगर ऐसा होता है तो क्या लड़कियां अपने आप को महसूस करेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों का एक डर होता है, जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो एक डर होता है दिल दिमाग में कि लड़कियां घर से बाहर जा रही हैं, इतने लोग मिलेंगे रास्ते में, ऐसे लोग पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर महिलाएं ज्यादा सड़कों पर दिखेंगी, ऐसी चीजों में दिखेंगी जहां पे हम सोच भी नहीं सकते, ख्याल भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा सुरक्षा को? एवं देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक है महिला ड्राइवर्स की बात, तो महिला ड्राइवर्स भी हैं। अगर हम पुलिस लाइन में देखेंगे तो आपको पर्याप्त महिलाएं दिखेंगी, सीआरपीएफ में देखेंगे तो आपको पर्याप्त महिला दिखेंगी और डिफरेंट पोजीशंस पर दिखेंगी, जो बॉर्डर पे भी हैं, जो गाड़ी भी चला रही हैं, जो रक्षा करने में भी अपना दायित्व निभा रही हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी एक ऐसी स्ट्रीम हो जहाँ पर वैक्यूम है, वहां पर निश्चित ही महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। उससे दो चीजें होंगी कि एक, महिला सशक्त जो है उसे एक स्थान प्राप्त होगा, और दूसरा जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब अधिक से अधिक महिलाओं का साथ होगा तो निश्चित ही उसमें एक सिक्योर भावना आएगी, उनके परिवार में भी आएगी और उनमें भी आएगी। तो एक अच्छा सुझाव है और कई राज्यों में हमने ये भी देखा है कि महिला कुली दिखाई देती हैं, हमें पैडल रिक्शा चलाने वाली महिलाएं दिखाई देती हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाली महिलाएं दिखाई देती हैं। तो महिलाओं ने वाकई में जो छोटे से छोटी जगह थी उससे लेकर आसमान तक का जो सफर है वो पूरा कर लिया है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाओं के लिए स्पेस जो है हर क्षेत्र में बराबरी का होना चाहिए। अगर हम उसे आधी आबादी कहते हैं तो वो धरातल पर दिखनी भी चाहिए, और इसी वजह से माननीय शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से एक मैसेजिंग कर देते हैं, जिस प्रकार से वो हमेशा कहते हैं कि माताओं का, बहनों का, अपनी धर्मपत्नी का सम्मान बहुत आवश्यक है, सम्मान होने के साथ साथ उनका साथ देना और उनको इक्वल नजरिए से देखना और उन्हें स्थापित होने देना उस जगह पर, जब ये सब होने लगेगा
तो मुझे लगता है कि जो एक राम राज्य की कल्पना है वाकई पूरी हो जाएगी। बिल्कुल नेहा, चूंकि समय की भी कमी है और ऐसे में मेरी तरफ से एक आखिरी रिएक्शन आपके लिए सवाल यही होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चला रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की बात करें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की मुहिम लगातार चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी फिलहाल महिलाओं को कितना सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि महिला अपने आप में ही सशक्त है और ऐसा नहीं है कि महिला को सशक्त करने के लिए हमें कुछ बहुत अलग करने की आवश्यकता है, पर यह बात जरूर है कि महिला को जब हमें सशक्त देखना है तो उसका जो प्रक्रिया है वो घर से शुरू होती है। जब परिवार के अंदर बेटी और बेटा साथ में होते हैं तो माता पिता को परवरिश एक समान करनी चाहिए। जब बेटी घर से बाहर होती है और घर आती है तो अपने बेटे को बताएं कि दीदी आई है, बहन आई है, उसके लिए पानी लेकर आ जाओ। भाई आता है तो बेटी को बताएं कि भाई आ गया है, उसे पानी दो आप या रोटी बना कर दो। तो जो प्रक्रिया है, जो परवरिश का जब प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहली हमारी टीचर जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, और उसकी प्रक्रिया जब यहाँ से शुरू होगी तो महिलाओं को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। एक पुरुष जो अपने घर से बाहर निकलेगा तो वो ये जानेगा कि जिस प्रकार से मेरी बहन जो है वो सम्माननीय है, जिस प्रकार से मेरी माँ, जिस नज़र से मैं उन्हें देखता हूँ, उसी तरीके से बाहर जो चल रही है सड़क पर महिला या जो हमारे साथ पढ़ रही है, जो कॉलेज जा रही है, उसे भी हमें उसी नज़रिए से देखना है। दूसरी बात, जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं या किसी प्रकार का क्राइम होता है, वुमेन अगेंस्ट क्राइम की जब हम बात करते हैं, तो मोस्टली हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे दी, महिलाओं के लिए मार्शल आर्ट्स में हमने उनको ट्रेन कर दिया है, महिलाओं को हमने काउंसलिंग कर दी है। अरे, ये ऑपोजिट मुझे लगता है, इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट और ऑपोजिट होना चाहिए। महिलाओं को ट्रेन करने की जगह आप पुरुषों को ट्रेन करिए, आप अपने घर के बच्चों को ट्रेन करिए, आप अपने घर के जो बेटे हैं, जो पति हैं, जो पिता हैं, उनको ट्रेन करिए। इससे ये होगा कि जो मानसिकता है, जो विकृत मानसिकता हमें बाहर समाज में दिखाई देती है, जो कड़े से कड़े कानून बनने के बावजूद जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। बिल्कुल नेहा जी, यहाँ पे आखिरी सवाल मेरा भी कि जिस तरीके से अभी हम लगातार, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे पर हम लगातार महिलाओं की बात, एक संदेश आपकी तरफ से उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी सोचती हैं कि जिंदगी में हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, एक संदेश आपकी तरफ से। देखिए इरम, मुझे ये लगता है कि महिलाओं के लिए एक ही संदेश है, एक बी द चेंज। दूसरा, हम सब ये जानते हैं कि अंधेरे में ही तारे नजर आते हैं और महिलाएं उन तारों की तरह है जो चुनौतियों का रोज सामना करती हैं पर फिर भी चमकती हैं और फिर भी अलग से दिखाई देती हैं। तो इसीलिए महिलाओं को रुकना नहीं है, थकना नहीं है और निरंतर चलते जाना है। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगी, अनन्या, इरम, ऋतु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। DNN की समस्त टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज अपने स्पेशल एडिशन में आपने मुझे जोड़ा, और जो मैं दायित्व प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते उस तरफ से निभाती हूँ, आज आपने दोबारा मुझे यहाँ से निभाने का एक अवसर दिया। तो आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार।